मैं नौलथा गांव पानीपत का रहने वाला हूँ। मैंने कबड्डी 8 साल की उम्र में स्टार्ट की थी। पहले मेरे अंकल कबड्डी खेलते थे, मैं उनके साथ चला जाता था, उनके साथ उनको देखता रहता। पहले वहाँ छोटे थे, मिट्टी में खेलते रहते थे। फिर चाचा को इंजरी हो गई थी, वो आगे भी इतना बढ़ नहीं पाए, तो उनको लगा कि मैं तो कुछ कर नहीं पाया। चार ध्यान मेरे ऊपर फोकस किया, फिर मुझे खिलाने लगे। फिर मैंने हमारे वहाँ पर इतना कुछ खेलते नहीं थे, 2-3 गाँव में खेलते थे पानीपत में। तो फिर मैं मेरे गाँव से खेलना स्टार्ट किया, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ऐसे ही फिर स्टेट पे, फिर नेशनल, मैंने फर्स्ट सब जूनियर नेशनल खेला, वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन आई, मैं बेस्ट प्लेयर निकला। फिर ऐसे स्कूल की तरफ से खेला काफ़ी बार। फिर मैंने जूनियर में जो 65 केजी के होते हैं ना, उसमें स्टार्ट किया। वहाँ पे मैंने लगातार 3 साल खेला, 3 साल फर्स्ट पोजीशन आई, मैं 3 साल बेस्ट प्लेयर निकला। फिर वहाँ से फिर हमारे एक दो एयरफोर्स के कोच, उन्होंने वहाँ देखा मुझे, तो उन्होंने मुझे जॉब के लिए पूछा, तो बोले वही करे, मैंने हाँ कर दी, क्योंकि घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। फिर मैंने वहाँ पे एयरफोर्स में आके अपनी ज्वाइनिंग कर ली। वहाँ से मैंने सर्विसेज को रिप्रेजेंट किया, फिर सर्विसेज में नेशनल सर्विसेज में खेला, नेशनल्स में, फिर सीनियर नेशनल्स में, तो वहाँ पे कोच वगैरह ने देखा, तो फिर वहाँ से मेरा प्रो कबड्डी में सिलेक्शन हो गया। पढ़ाई में कि भी काफ़ी ये था, साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी पड़ती थी, वो भी ज़रूरी थी, तो खेलना ही पड़ता था। तो पीछे पापा ने बोला, या तो एक ही काम कर ले, या पढ़ाई कर ले या खेल ले, तो दोनों तरफ में ना इधर का रहेगा ना उधर का। तो मैं गेम में थोड़ा ठीक था, तो मैंने गेम ही चूज़ किया, तो मैंने गेम ही स्टार्ट कर दिया। फिर मैच में देखो, हार जीत तो लगी रहती है, कभी हारते कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं तो कभी पहले जॉब लगने से पहले थे कि पापा बोले भाई चल कोई बात नहीं, आ जा रहे कल जीतेंगे, 2 दिन हार गए, 3 दिन, फिर जीतते जीतते भी थे। पर एक बार ऐसा हुआ था कि कमर में चोट लगी थी, तब ऐसा हुआ था कि हाँ भाई अब नहीं खेल पाऊँगा। फिर भी घर वालों ने सपोर्ट किया, काफ़ी हेल्प की, तो फिर मैं ऐसे अप हुआ, फिर कॉन्फिडेंस मिलता था, कोई साथ देता है, घर वाले साथ खड़े होते हैं। हरियाणा शील्ड्स के साथ मेरा पहला सीज़न है। यहाँ आने के बाद काफ़ी लोग जानते भी नहीं थे, कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पहले खेले हुए हैं, तो स्टार्टिंग किसी पता, किसी का बिहेवियर नेचर पता नहीं लगता। तो ऐसे धीरे धीरे एक दूसरे गुल मिल के ऐसे पता लग गया कि यहाँ पर किसका नेचर कैसा है, तो ऐसे मजाक चलते रहते हैं, वैसे फैमिली टाइप सा है, बिल्कुल फैमिली जैसा लगता है, कोई ऐसा लगता है कि हम कहीं दूसरे उसमें आए हुए हैं, उसमें बिल्कुल मन लगा रहता सबके साथ। मैं नौलथे गाँव का रहने वाला हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट पानीपत है। बचपन से मुझे कबड्डी का बहुत शौक था, 9-10 साल की उम्र में ही मैंने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया था। पहले तो नॉर्मली खेलने जाते थे, पता नहीं था इस प्रो कबड्डी भी का और इतने ऊंचे लेवल तक है। खेलते गए हमारे गांव में कोच है सोनू जागलाने, उन्होंने हमें कबड्डी के बारे में जितने भी वो था स्किल वगैरह सिखाया, जितने भी सिखाया उन्होंने सिखाया, उनके पास ही बचपन से प्रैक्टिस किया है। थोड़े दिन के 3-4 साल खेलने के बाद अंडर 14 स्कूल नेशनल गेम में सिलेक्शन हुआ मेरा, वहाँ से नेशनल खेल गया मैं हरियाणा से। और वहाँ से आने के बाद मैंने साई सोनीपत बालगढ़ में ट्रायल दी और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। पहले साल तो हुआ नहीं, फिर दूसरे साल मेरा सिलेक्शन हुआ, और फिर 2015 में मेरा सिलेक्शन हुआ था साई में, और 6-7 साल हो गए साई में। और वहाँ से मैंने 3 जूनियर खेली जिसमें 2 गोल्ड हैं, 2 में बेस्ट एडर का अवार्ड भी मिला मुझे। मैट तो बिल्कुल भी नहीं था गाँव में, नए स्टेडियम था, और मिट्टी में ही कबड्डी शुरू की थी गांव में आई थी। सब प्रो कबड्डी शुरू हुई तभी हमें थोड़ा लगा, और जो कोच साहब हैं जो एशियन गेम होते हैं उन्हें देखते थे, उन्हीं से पता लगा था, कोच साहब बताते भाई वहीं तक जाना है, बस जॉब के बारे में सोचना कि जॉब लग गए बस हो गया कबड्डी, ऐसा नहीं, जॉब के बारे में बिल्कुल मत सोचना, हमें ऊपर तक जाना है, एशियन गेम खेल के आना है, जॉब तक बिल्कुल भी कबड्डी नहीं खेलनी, जॉब के लिए बस अपने इंडिया के लिए खेलना है। मेरा गांव एरी है और डिस्ट्रिक्ट झज्जर है, और मेरी कबड्डी गांव से स्टार्ट हुई थी, बचपन से ही मेरे गांव में सर्कल कबड्डी खेली जाती है। मैं ही एक मेरे गांव से मतलब एक खिलाड़ी निकला हूं नेशनल स्टाइल कबड्डी का। मेरी फैमिली में कबड्डी सभी खेलते हैं और छोटा भाई भी खेलता है, तो कबड्डी एक मेरे खून में रग रग में बसा हुआ है। फैमिली ने इसमें सपोर्ट भी किया और पूरा सहयोग भी दिया मेरे को, और जो इस लेवल पे मतलब मेरे को कबड्डी बताने वाला रास्ता, मेरा बुआ जी का लड़का था, वो रेसलर था। गांव में ना तो कोई कोच था ना कोई सपोर्ट थी, मतलब कि कोई खिलाड़ी आगे जा रहा था उसको सपोर्ट करे, एक माँ बाप की और फैमिली की सपोर्ट मिलती थी, और किसी की सपोर्ट ना तो कोई गाँव में करता इतनी, ना कोई मतलब किसी को पता है। सोनीपत जाके मेरे मतलब जो गुरु हैं RS खोकर हैं, मेरे को वहाँ जाके वो
कोच मिले, उन्होंने मैं उनकी शरण में रहा और उन्होंने वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट करा दी। वहाँ जाने के बाद लेकिन मैंने मेहनत इतनी ज़्यादा की हुई है कि मैं ही जानता हूँ या भगवान जानता है कि मैंने दिन रात कुछ नहीं देखा, कोई वार नहीं, कोई त्यौहार नहीं। मैं वार त्यौहार जो होली दिवाली आती है, मैं कभी अपने घर पे नहीं गया जब तक मैं कामयाब नहीं हुआ। घर से निकला तो ये सोच के गया था कि कुछ करना है, कुछ बनना है, मेरे माँ बाप के जो सपने हैं उनको पूरा करना है। मेरे जो बैकग्राउंड था इतना स्ट्रोंग नहीं था, मतलब कि नॉर्मल से भी कमज़ोर था, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वो चाहे खुद भूखे प्यासे कैसे भी रहे हों, लेकिन मेरे लिए जो मैंने मांगा मेरे लिए किया। उन्होंने दिन रात मेरे लिए मेहनत भी की है भाई, खेतों में काम भी किया है। 2018 में इंजरी होगी सीजन 6 में, इंजरी होने के बाद कि जो मैंने मतलब बैकअप किया है वो मैं ही जानता है, भगवान जानता है। बहुत संकट आए लाइफ में, उसके बाद तो बहुत मतलब मैं परेशान हुआ बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा। चोट लगी, ठीक हो गया वो टाइम, जैसे भाई कोरोना का टाइम चल गया, फिर मेरी मम्मी एक्सपायर होगी, फिर मेरी आंटी एक्सपायर होगी, वो पल मतलब मेरे लिए तो एक बहुत दुख की बात थी। काफ़ी कुछ गुवा दिया मैंने अपनी लाइफ से, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा। और मेरे फैंस लोगों की दुआ भी थी, लोग मुझे पूछते भी थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते थे, फेसबुक पे भी कि आप नेक्स्ट सीजन खेलोगे या नहीं खेलोगे। लेकिन मेरे मन में यही था, मैं उनको अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन मेरे मन में थी कि मैं हाँ खेलूँगा, मुझे जुनून है और मुझे विश्वास है अपने आप पे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कि मैं बैकअप करूँगा, वापसी करूँगा। तो मैंने सीजन 8 में वापसी की और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी फैमिली को भी अच्छा लगा, मेरे फैंस को भी अच्छा लगा। और वो मुझे खेलते हुए देखते हैं तो उनको खुशी होती है, वे चाहते हैं कि मैं और अच्छा करूँ, मेरी परफॉर्मेंस और अप हो। और मैं भी चाहता हूँ कि सीजन 8 में मैं अच्छा करके दिखाऊँ।